चिंता मत कीजिए, बढ़िया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। काश आप हर रोज हमारे इस हॉस्पिटल में आते। झारखंड के 24 जिलों के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रिम्स किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो बीमार पड़ेंगे तो सहारा सदर अस्पताल होगा। उन्हें यह भी मालूम है कि सदर अस्पताल में उनका इलाज नहीं होगा, वहाँ के डॉक्टर उन्हें रिम्स रेफर करेंगे। बुधवार को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटने रिम्स पहुंचे तो उन्होंने वार्ड जाने की भी इच्छा जाहिर की। वार्ड गए, वहाँ मरीजों से उनका हालचाल पूछा और कहा सब ठीक हो जाएगा। रिम्स सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं है, रिम्स सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं है, रिम्स एक उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए रिम्स यानी जीवन की आशा। राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं, इसलिए नए नए टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है अब रिम्स को, ताकि जो लोग रिम्स पहुंचते हैं उन्हें इलाज के लिए रिम्स से भी बाहर किसी दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। इसलिए रिम्स को सुदृढ़ करना जरूरी है। राज्य सरकार इस बात को समझती है, इसलिए राज्य सरकार लगातार रिम्स में सुधार कर रही है। ये यूएस का है सर, ये खून की नली है, ये तो काम चल रहा है, ये तो कर नहीं सकते, ये इमरजेंसी है। यस सर, आज मेरा ही इमरजेंसी पे है। एक साल में 6 कैथलैब टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 12 तो ऐसे होते हैं, 12 इंटर्न हो जाते हैं। ये सर इसको ऑटोक्लेव कर देते हैं, ऑटोक्लेव करके नहीं यूज करते, प्रोसीजर बीच में नहीं रुके। ये तो है ही, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज में लाइट चली गई तो जनरेटर ने काम किया। तो आयुष्मान कार्ड होल्ड थी तो था, ये यहाँ देख रहे हैं, और स्टेंट लगाने के बाद ये देखिए जो ब्लॉकेज था यहाँ पे वो खत्म हो गया, यहाँ पे हमारी स्टेंट रह गया। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सर, हमारे पास सर पीछे चटियों ने दिया सारे इमेज स्टोर है। चलने वाला बोलता है सबसे पहला इंडिया में यही लगा है, इंडिया में सबसे पहले यहाँ लगा है।